नमस्कार। आज है शुक्रवार 19 जुलाई सन 2024। दोस्तों, चावल हो या फिर चीनी, गेहूं या फिर मक्का, जो इन सभी पर अपडेट देने वाला देश का पहला चैनल। आज के एपिसोड में हम चीनी के उत्पादन और इथेनॉल के लिए चीनी की खपत के बारे में कुछ महत्वपूर्ण चर्चा करेंगे। यदि शो पसंद आए तो लाइक अवश्य कीजिएगा, और आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ साथ हमारा साप्ताहिक अखबार को सब्सक्राइब करने के लिए, जिसकी शुल्क मात्र 3,000 रुपये वार्षिक है, उसके लिए संपर्क कर सकते हैं। जानिए रिपोर्ट विस्तार से। दोस्तों, सबसे पहले कि 30 सितंबर सन 2024 को समाप्त होने वाले चीनी स्टॉक लगभग 91 लाख टन होने का उम्मीद है, जो 30 सितंबर साल 2023 के मुकाबले अधिक है। गौरतलब है कि सितंबर 2023 में 56 लाख टन चीनी का स्टॉक था, जो अब बढ़कर 91 लाख टन हो गया है। नए सीजन में चीनी का उत्पादन में गिरावट की प्रबल आशंका बन गई है, और इकरा के अनुसार अक्टूबर में शुरू होने वाले चीनी नए सीजन 2025 के लिए भारत का शुद्ध चीनी का उत्पादन पिछले साल 320 लाख टन से घटकर 300 लाख टन होने का आशंका जताई गई है, क्योंकि इथेनॉल में अधिक डाइवर्जन की अनुमति से ये समस्या पैदा हो सकती है। गौरतलब है कि 2025 के 71 तीर्थ चीनी मिलों के राजस्व में 10% की वृद्धि होगी, जो नई क्षमता के संचालन के बाद घरेलू चीनी की कीमतें और उच्च डिस्टिलरी वॉल्यूम के साथ साथ बिक्री मात्रा के लिए अपेक्षित वृद्धि के लिए सपोर्टिंग है। इकरा के वरिष्ठ उपाध्यक्ष और कॉरपोरेट रेटिंग के समूह के प्रमुख गिरीश कुमार कदम ने कहा है कि एजेंसी को उम्मीद है कि नए सीजन में इथेनॉल उत्पादन की ओर अधिक मोड़ की अनुमति मिलने पर उत्पादन में गिरावट आ सकती है। उच्च चीनी स्टॉक स्तर के बीच इथेनॉल की बढ़ती मांग के कारण उत्पादन बढ़ेगा। भले ही शुगर ईयर 2025 में इथेनॉल का डाइवर्जन बढ़कर 4 मिलियन टन कर दिया जाए, बंद चीनी स्टॉक का स्तर मामूली रूप से ऊंचा रहने की प्रबल संभावना है। इसलिए 17 लाख टन की सीमा से अधिक डाइवर्जन की अनुमति देने और निर्यात क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण निगरानी के लिए नीति का स्पष्टीकरण होना आवश्यक है। इसके अलावा घरेलू चीनी की कीमतें जो वर्तमान में 38 से 39 रुपये प्रति किलोग्राम के बीच में हैं, अगले सीजन की शुरुआत तक स्थिर रहने की उम्मीद है, जिसमें मिलों की को प्रॉफिटेबिलिटी को भी इससे बढ़ावा मिलेगा। गौरतलब है चीनी मिलों का ऑपरेशनल मार्जिन चालू वर्ष की तरह नए सीजन में भी कंफर्टेबल रहने का अनुमान है, क्योंकि अक्टूबर में शुरू होने वाले चीनी वर्ष 2025 के लिए गन्ने की ऊंची कीमतें का जिम्मेदार है। चीनी क्षेत्र के लिए इनकरा का दृष्टिकोण स्थिर है, जो राजस्व में अपेक्षित सुधार और लाभप्रदता और आरामदायक ऋण कवरेज मैट्रिक्स के साथ साथ इथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम सहित सरकारी नीतियों को समर्थन द्वारा समर्थित है। गौरतलब है कि अनाज आधारित भट्टियों के उच्च योगदान को देखते हुए नए सीजन में भारत सरकार द्वारा 20% सम्मिश्रण लक्ष्य पूरा करने के लिए कंपनी का इथेनॉल उत्पादन के प्रति रुझान बढ़ना एक महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा। जिन प्रमुख चुनौतियों पर ध्यान देने की आवश्यकता है, उसमें अनाज आधारित भट्टियों के लिए पर्याप्त फीड स्टॉक की उपलब्धता और उच्च सम्मिश्रण स्तर को समर्थन करने के लिए आवश्यक बुनियादी यानी इंफ्रास्ट्रक्चर शामिल है। गौरतलब है कि ICRA के अनुमान है कि 30 सितंबर साल 2024 को समाप्त होने वाले चीनी स्टॉक लगभग 91 लाख टन होगा, जो 30 सितंबर 2023 को से 56 लाख टन के चीनी स्टॉक से काफ़ी अधिक है, और ये 3.8 महीने के उपयोग के बराबर माना जा रहा है। गौरतलब है कि चीनी का उत्पादन कम होने और 320 लाख टन के मुकाबले 300 लाख टन होने के लिए चीनी स्टॉक के ऊपर भी नज़र रखनी उचित रहेगी। ऑल द बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।